हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ रेणुका शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट वीमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूम सक्शन यूनिट। वैक्यूम सक्शन के द्वारा हम हमारी त्वचा में जमे हुए सीबम को शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसे ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स आदि को होने से रोका जा सकता है। यह शरीर में जमे हुए अतिरिक्त तेल को भी बाहर निकालती है और डीप क्लिंजिंग का कार्य किया जा सकता है। इसे हम लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से करते हैं। हमारे शरीर में जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स पाई जाती है, तो वैक्यूम के माध्यम से हम इसे इन लिम्फेटिक डक्ट्स में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके द्वारा जो मसल्स के डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए लिम्फेटिक सिस्टम को फॉलो करते हुए वैक्यूम मसाज दी जाती है। वैक्यूम मसाज ये लिम्फेटिक ड्रेनेज का एक मैकेनिकल तरीका होता है। इसमें क्लिंजिंग के प्रभाव को बढ़ाने के लिए मैनुअल क्लिंजिंग या स्टीमिंग के बाद भी दिया जा सकता है। इससे स्किन ब्लॉकेज, ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और ऑयली मैटर को रिमूव किया जा सकता है। इसे गैल्वेनिक किट डीप क्लिंजिंग प्रोसेस के साथ भी उपयोग में ले सकते हैं। इससे बॉडी मसाज भी की जा सकती है। इसे बस्ट डेवलपिंग डबल चिन रिड्यूसिंग ट्रीटमेंट में भी उपयोग में लिया जाता है। इसका उपयोग फैट रिड्यूसिंग ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। इसमें ऑक्सीलेशन भी कनेक्ट होता है, जिससे कोल्ड कंप्रेशर दिया जाता है, जो त्वचा की रोम छिद्रों को बंद करने के साथ साथ टोनिंग भी करता है। इसमें एक कैबिनेट में वैक्यूम सक्शन मोटर को फिट किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा संचालित होती है। इसमें आगे के बोर्ड पर प्रेशर मीटर, रेगुलेटर नॉब और टाइमर लगा होता है। इसमें ऑन ऑफ स्विच होता है, जिससे मशीन को स्टार्ट और ऑफ किया जा सकता है। इसमें दो रबर ट्यूब्स लगी होती है, जिसमें एक में ग्लास एप्लीकेटर वेंटोस कप लगाकर वैक्यूम ट्रीटमेंट किया जाता है और दूसरे में स्प्रे बोतल लगाकर कोल्ड कंप्रेशर दिया जाता है। वेंटोस का साइज और शेप विभिन्न प्रकार का होता है। अलग अलग आकार और उपचार के अनुसार अलग अलग वेंटोस उपयोग में लिए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के वेंटोस होते हैं। इन वेंटोस में एक छिद्र पाया जाता है, जिससे प्रेशर बनाया व रिलीज किया जाता है। आजकल स्मॉल हैंडी इक्विपमेंट्स भी बाजार में उपलब्ध होते हैं, जो फेशियल के काम में आते हैं। वैक्यूम सक्शन में लसिका वाहिनियों की दिशा में हल्के दबाव के साथ में वैक्यूम मसाज दी जाती है, जिससे कप्स के द्वारा सक्शन से स्मॉल वेसल्स पर प्रेशर के कारण लिम्फ तेजी से ड्रेन हो जाता है और ब्लॉक रिमूव हो जाते हैं और परिसंचरण से ताज़ा लिम्फ और रक्त निष्कासित पदार्थों का स्थान ले लेता है। जिस प्रकार से पूरी बॉडी में रक्त परिसंचरण होता है, उसी प्रकार से लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से हमारे शरीर के उन स्थानों पर जहाँ पर रक्त के द्वारा
पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते, वहां पर लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से पोषक तत्व पहुंचे जाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से न केवल उन स्थानों को पोषण मिलता है, बल्कि वहाँ शरीर में जमा कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी इसके माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित हो जाते हैं। यानी शरीर में जमा टॉक्सिन्स को लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसके लिए शरीर में लसिका वाहिनियों के साथ साथ विभिन्न स्थान पर कई लिम्फेटिक डक्ट्स पाई जाती है, लिम्फेटिक नोड्स पाई जाती है, और अंत में दो लिम्फेटिक डक्ट्स पाई जाती है बड़ी, जिनसे सारा लिम्फ या टॉक्सिन्स वहाँ पर पहुँचते हैं और वह यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो वैक्यूम मसाज करते समय हमें इन्हीं के डायरेक्शन में मसाज दी जाती है और वह उस सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करके लिम्फेटिक नोड्स में पहुंचाती है, जिसे वह शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। जब वैक्यूम के द्वारा यह प्रेशर दिया जाता है और ब्लॉक्स रिमूव हो जाते हैं, तो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट हो जाता है और ताज़ा लिम्फ और रक्त निष्कासित पदार्थों का स्थान ले लेता है। वैक्यूम सक्शन की कब आवश्यकता होती है? पहले क्लींजिंग के लिए, त्वचा की सफाई के लिए वैक्यूम सक्शन दी जाती है। फेशियल के दौरान कोई टिंट्स वहाँ पर पाए गए हैं, उसे रिमूव करने के लिए। पोर्स में जमा ब्लॉकेज को हटाने के लिए वैक्यूम सक्शन दिया जाता है। सिबोरिया जैसी कंडीशन में, जैसे स्पेशलाइज क्लींजिंग करनी हो या सेलुलर मैटर को फॉलिकल से रिमूव किया जाना हो, सिबोरिया यानी कि एक्सेसिव ऑयली स्किन, ड्राई डिहाइड्रेट स्किन, ऐसी अवस्था में टिश्यूज के कार्य को बढ़ाने के लिए, लिम्फेटिक प्रवाह के माध्यम से उत्सर्जन को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, जिससे उत्कीय क्रियाएं तेजी से बढ़ती है और शरीर में सर्कुलेशन फास्ट होता है। जो ग्रंथियां होती है, सीबेशियस ग्लैंड होती है, वह अपना कार्य और अधिक तेजी से करना शुरू कर देती है, जिससे ड्राई स्किन को में बहुत मदद मिलती है। वैक्यूम सक्शन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है ग्लाइडिंग वैक्यूम सक्शन एप्लीकेशन। वैक्यूम सक्शन को ग्लाइडिंग करने का वैक्यूम सक्शन का सबसे अधिक उपयोग में आने वाला तरीका होता है। इसमें वैक्यूम कप को त्वचा पर रखकर निकटतम लिम्फेटिक नोड की ओर लिया जाता है। यह मसाज साफ त्वचा पर दी जाती है, जिससे त्वचा पर फाइन लेयर ऑयल की लगा दी जाती है, जिससे त्वचा पर आसानी से फ्लाइंग स्ट्रोक्स दिए जा सके। रबर ट्यूब पर आवश्यकता अनुसार वेंटोस लगाकर टाइमर व प्रेशर सेट किया जाता है। वेंटोस में एक छिद्र पाया जाता है। जब हम वेंटोस को लसिका जल निष्कासी की दिशा में लय के साथ चलाते हैं, तो यह छिद्र को बंद कर देते हैं, जिससे कप के भीतर दबाव बनता है और त्वचा लिफ्ट होती जाती है। जिस पॉइंट पर हमें इसे समाप्त करना होता है, वहाँ तक हम इसे लेके जाते हैं और छिद्र पर हाथ रहता है, और जहाँ उस स्थान पर पहुँचने के बाद में हम वहाँ से हाथ को रिलीज कर देते हैं, जिससे छिद्र ओपन हो जाता है और वेंटोस फ्री हो जाता है और त्वचा सामान्य हो जाती है और लिम्फ वहाँ से ड्रेन होकर लिम्फेटिक नोड में पहुँच जाता है। इसमें कप के भीतर दबाव बनता है, जिससे संपूर्ण स्ट्रोक्स के दौरान त्वचा उत्तेजित व लिफ्ट होती चली जाती है। इस बात का
ध्यान रखना होता है कि 20% से ज़्यादा त्वचा को लिफ्ट नहीं करना होता है, अन्यथा कोशिकाओं के टूटने व त्वचा के विरूपण का खतरा हो सकता है। इसमें अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में मसाज दी जाती है। पूरे फेस पे मसाज दी जाती है और अंत में यहाँ से नेक के नोज से ऊपर की ओर इसे लेकर जाकर फेस पर समाप्त कर जाती है। यहाँ से नेक से होते हुए यहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से होते अंत में दोनों भुजाओं के साइड में पाई जाने वाली नेक के नीचे पाई जाने वाली लिम्फेटिक डक्ट में इसे एंड कर दिया जाता है। नेक पर देते समय इसकी स्पीड, इंटेंसिटी, स्किन रिएक्शन पैटर्न, टॉलरेंस व स्किन सेंसिटिविटी का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात उसकी स्पीड अधिक तेज नहीं होनी चाहिए, उसकी इंटेंसिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे त्वचा पर सही प्रकार से वे कार्य कर सके। यदि किसी की त्वचा जल्दी रिएक्ट करती है, किसी की त्वचा अधिक समय में रिएक्ट करती है, उसी के अनुसार हमें ध्यान रखना होता है। यदि पैटर्न की टॉलरेंस कम है तो हमें जल्दी ही या हल्का प्रेशर देना चाहिए। यदि स्किन बहुत अधिक सेंसिटिव है तो हमें प्रेशर बहुत लाइट रखना चाहिए। चेहरे पर करते समय दोनों भौहों के मध्य कॉरूगेटर मसल्स पर वह समाप्त होती है। इसके उपयोग से जमा द्रव के फैलाव को बढ़ाने और वसायुक्त ऊतकों के क्षेत्र को नरम करने के लिए सुधार किया जाता है। इससे ऊतकों के कार्यों और अपीयरेंस में सुधार होता है। वैक्यूम सक्शन स्किन पर प्रेशर के द्वारा जमा ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स, सीबम को अपने में ले लेता है और इसे त्वचा से बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से देखिए, पहले यहाँ पे सारे ब्लैकहेड्स यहाँ पे नज़र आते हैं और वैक्यूम सक्शन के द्वारा अपने में ले लेता है और उसके पश्चात स्किन ऐसी क्लियर नज़र आती है। इसके कप एप्लीकेटर का साइज और शेप त्वचा की संवेदनशीलता और ट्रीटमेंट और चाहे गए इफेक्ट पर निर्भर करती है। हमें किस साइज़ का कप लेना है इस पे डिपेंड करता है कि हमें उसे क्या ट्रीटमेंट देना है। जैसे यदि हमें ब्लैकहेड व्हाइटहेड रिमूव करने हैं तो इस तरह का टर्न हुए हुआ और पतला सा सेक्शन ग्लास एप्लीकेटर हम यूज़ में लेते हैं। चेहरे पर देना है तो हमारा इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर हमें पूरी बॉडी पर बड़े एरिया पे देना है तो इसका साइज़ और बड़ा हो जाता है। और यदि हमें पूरे बस डेवलपिंग इत्यादि के लिए इसे यूज़ में लेना है तो इसके लार्ज साइज़ होता है। तो ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें साइज़ कप के साइज़ को निर्धारित करते हैं। इसमें उपचार की समयावधि भी अलग अलग होती है। जैसे सामान्य क्लिंजिंग करनी है तो 3 से 5 मिनट का टाइम इसके लिए बहुत होता है। यदि डीप क्लिंजिंग करनी है या गैल्वेनिक के साथ हमें इसे यूज़ में लेना है तो इसे 10 मिनट तक भी दिया जा सकता है। स्किन ड्राई है, डिहाइड्रेट स्किन है तो त्वचा के ऊतकों की कार्य क्षमता वह ग्लैंड्स की कार्यविधि को बढ़ाने के लिए इसे 10 मिनट तक दिया जा सकता है। त्वचा पे फाइन लाइंस जो पाई जाती है उसे दूर करने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट्स दिया जाता है, उसे 10 मिनट तक किया जा सकता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए इसे 10 से 12 मिनट तक दिया जा सकता है। युवा व्यक्ति को जिनके ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड, अनइवन टेक्सचर की प्रॉब्लम होती है उन्हें स्पेशलाइज कप के साथ रिजल्ट प्राप्त होने तक नियमित रूप से उपचार करवाना चाहिए। दूसरे प्रकार का वैक्यूम सक्शन होता है पल्स्ड ईयर या टैपिंग मसाज।
लिम्फेटिक ड्रेनेज ट्रीटमेंट का पल्स्ड एयर सिस्टम त्वचा को टैपिंग या पैटिंग का प्रभाव देने के लिए इंटरमिटेंट सक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात इसमें एक से अधिक कप एक साथ एक समय में बड़े एरिया पर उपचार दिया जा सकता है। इसमें पल्स के एयर की क्रिया से त्वचा धीरे धीरे उत्तेजित होती है, जिससे उदके तरल में तेजी से आदान प्रदान होने के कारण संवहनी परिसंचरण और लसीका निकास बढ़ जाता है। जैसे अधिक कप्स का यूज लेने पर अलग अलग एरिया पर भी इसका अप्लाई किया जा सकता है, या सेम एरिया पे हम एक साथ भी इसे यूज़ में ले सकते हैं। इससे त्वचा जल्दी से उत्तेजित होती है, फास्ट होती है और हमारा यह कार्य तेजी से बढ़ता चला जाता है। इसमें ग्लास एप्लीकेटर को एक समान पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमें पैटर्न यदि स्लाइडिंग है तो हम उसे स्लाइड करते ले जाएंगे, यदि हमारा पैटर्न सर्कुलेटरी है तो हम सर्कुलेटरी मूवमेंट में करेंगे। ऐसा नहीं कहीं पर हम सर्कुलेटरी कर रहे हैं और कहीं पर स्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, ऐसा इसमें नहीं किया जाता है। हमारा जिसका फॉलो करने का पैटर्न हमेशा सेम होता है, जिससे लिम्फेटिक ड्रेनेज तेजी से बढ़ता चला जाता है। त्वचा से बिना अत्यधिक तनाव या खिंचाव के वैस्कुलर रेस्पॉन्स प्राप्त होता है, जिससे संवेदनशील व परिपक्व त्वचा का भी सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यानी इस सिस्टम के माध्यम से हम सेंसिटिव स्किन पर भी ट्रीटमेंट आसानी से दे सकते हैं। सक्शन ईयर और प्रेशर ईयर की आवेग की लय असीम रूप से अलग अलग हो सकती है, यानी अलग अलग एरिए पर और ट्रीटमेंट की आवश्यकता अनुसार हम इन दोनों चीज़ को कम व बढ़ा सकते हैं। जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार उसे हम अधिक भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। धीरे धीरे डेलिकेट वाइब्रेटरी मसाज में भी इसे चेंज कर सकते हैं, और जैसे नाजुक अंग जैसे गालों आदि पर भी हम इसे दे सकते हैं। इसमें जब लिफ्टिंग मूवमेंट दिया जाता है तो थोड़ा सा इसमें लिफ्ट कर सकते हैं। इसमें दो तीन एप्लीकेटर्स को भी हम अलग अलग यूज में ले सकते हैं। यह अधिकतर फैट रिड्यूसिंग के काम में आता है। इस उपचार को सामान्यतः अपर बैक पर दिया जा सकता है। इसे कपाल गुहा यानी क्रैनियल कैविटी के आधार भाग से प्रारंभ करते हुए कंधे की ओर डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में दिया जाता है। ऐसे बड़े एरिया के लिए लार्ज वेंट्रोस्कोपी इस्तेमाल करते हैं। अपर बैक एरिया में पाए जाने वाले ट्रैपेजियस मसल्स को यूज में लिया जाता है। इसमें स्मूथ अनब्रोकन स्ट्रोक्स और सर्कुलर स्ट्रोक्स को बारी बारी से उपयोग में लिया जाता है। इसने एक पूरी एरिया को आवश्यकता अनुसार परिणाम प्राप्त होने तक उपचार दिया जाता है। तत्पश्चात थोड़ी देर आराम के पश्चात इसे अन्य स्थान पर दिया जाता है। यानी जैसे हम फेस पे कर रहे हैं तो पूरे फेस वाले एरिया पे कर लिया, यदि हम इस एरिया पे नीचे नेक से और अपर एरिया पे देते हैं, इस एरिया पे करें तो इस एरिया पे हम पूरा पहले एक साथ करेंगे, यदि बैक वाले एरिया पे करें तो पूरे बैक वाले एरिया पे करेंगे। एक एरिया पे पूरा कंप्लीट करने के बाद में ही हम दूसरे एरिया के लिए इसमें बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन एक से दूसरे एरिया पे बढ़ने के बीच में हमें इसमें थोड़ा सा पॉज दे देना चाहिए। इसे पूरे बॉडी पर भी इसे दिया जा सकता है। वर्तमान में वैक्यूम कप सक्शन के माध्यम से भी इसे यूज़ में लिया जा रहा है। इसमें डिफरेंट कप्स पाए जाते हैं, जिसे मैन्युअली भी यूज़ में लिया जा सकता है। इसे पर्टिकुलर किसी छोटे एरिया के ट्रीटमेंट के लिए या पूरे बॉडी पर भी इसे अप्लाई करने के लिए यूज़ में लिया जा सकता है। इसमें
एक साथ कई कप अप्लाई किए जा सकते हैं, किसी एक एरिया पे यूज़ में लिया जा सकता है, बॉडी के फैट रिड्यूसिंग के लिए इसे काम में लिया जा सकता है, कहीं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है उसे दूर करने के लिए भी इसे यूज़ में लिया जा सकता है। इन कप्स में हीट कप्स का भी यूज़ में लिया जा सकता है, इन कप्स के बीच को गर्म करके इसमें एलिमेंट डाल के इसे गर्म करके भी इसे यूज़ में लिया जाता है और मशीन्स के थ्रू भी इसे काम में लिया जाता है। प्रिकॉशंस यानी सावधानी, लिम्फेटिक ड्रेनेज की दिशा में ही मसाज दी जानी चाहिए। यदि हम लिम्फेटिक ड्रेनेज के विपरीत दिशा में करते हैं तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए हमें लिम्फेटिक ड्रेनेज का विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रथम बार उपचार देते समय उपचार का समय और तीव्रता दोनों को मध्यम रखना चाहिए, यानी कि यदि हम फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा समय पहली बार में ही बहुत अधिक नहीं हो और ना ही हम एकदम बहुत तेज़ी से प्रेशर के साथ में इसे करें। फर्स्ट टाइम में हमें उसे समय और तीव्रता दोनों को ही कम रखना चाहिए। एक बार में अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा रक्त केशिका को नुकसान पहुंच सकता है। यदि हम अधिक समय में एक साथ करने लग जाते तो हो सकता है हमारी वहाँ की वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज डैमेज हो जाए, इसलिए हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसका प्रयोग लय व सही दबाव के साथ में करना चाहिए, क्योंकि हम यदि इसे सही तरीके से नहीं करेंगे, यदि हमने सही प्रेशर के साथ में और उसके लिम्फेटिक ड्रेनेज की दिशा में नहीं करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। त्वचा के प्रकार व संरचना के अनुसार दबाव व समय को निश्चित किया जाना चाहिए, यानी यदि किसी की स्किन डेलिकेट है, किसी की मैच्योर है, कैसी है, हमें स्किन के टेक्सचर के अनुसार ही प्रेशर और टाइम को निश्चित करना चाहिए। संवेदनशील त्वचा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वह बहुत अधिक डेलिकेट होती है। उपचार दिए जाने वाले स्थान व अंगों के अनुसार ही वेंटोस का साइज का सिलेक्शन करना चाहिए। उच्च सक्शन को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसे कम सक्शन की लंबी अवधि से प्रारंभ करके धीरे धीरे ग्राहक की संवेदनशीलता के अनुसार उच्च सक्शन की लंबी अवधि के अनुसार करना चाहिए। शरीर के सिस्टम्स पर इसका प्रभाव, इफेक्ट ऑन बॉडी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, यह लसीका परिसंचरण को बढ़ाता है जिससे अपशिष्ट पदार्थ को हटाने में मदद मिलती है। वाटर रिटेंशन को सही करने में मदद करता है जिससे पफिनेस कम होती है, सूजन कम करने में सहायक होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के कारण इसके प्रेशर के कारण जो ब्लड वेसल्स होती है वह फैल जाती है और तेज़ी से प्रवाह होने लगता है और अपशिष्ट पदार्थ लिम्फ में पहुंच जाते हैं। मस्कुलर सिस्टम, इसे परिसंचरण के बढ़ने से ताजी ऑक्सीजन और पोषण मांसपेशियों को मिलता है जिससे उनकी कार्यविधि बढ़ती है। स्केलेटन सिस्टम है, क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति बढ़ने से हड्डियों को पोषण मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण के बढ़ने से ताजी ऑक्सीजन और पोषण हृदय को मिलता है। क्षेत्र से अपशिष्ट पदार्थ हटने से की दक्षता में सुधार करता है। शिरा प्रवाह प्रवाह को गति प्रदान करता है जिससे वेरिकोस वेन्स के रोकथाम में मदद मिलती है। नर्वस सिस्टम, संवेदी तंत्रिकाओं के अंतिम स्थान पर सूदिंग प्रभाव उत्पन्न होता है जिससे तंत्रिकाओं के कार्य बढ़ते हैं। स्किन स्ट्रक्चर, कोशिका के चयापचय को बढ़ाता है जिससे त्वचा की अपीयरेंस में सुधार होता है, वह त्वचा में ग्लोइंग इफेक्ट आता है। रक्त वाहिकाओं के प्रसारित होने से त्वचा का रंग साफ होता है, यानी स्किन क्लीन और क्लियर नजर आती है। जमा वसा को नरम करता है जिससे त्वचा के कलर और टेक्सचर को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। तेलीय ग्रंथियाँ उत्तेजित होती है जिससे अतिरिक्त सीबम स्रावित होता है।
वैक्यूम सक्शन के विपरीत प्रभाव। यदि ओवर स्टिमुलेशन के कारण नाजुक व संवेदनशील त्वचा में केशिकाओं का नुकसान हो सकता है, यदि इसे सही दिशा में नहीं किया जाए तो त्वचा झुर्रीदार, पतली व लूज हो सकती है। मुहासेदार त्वचा, हेयर फॉलिकल में सेकेंडरी इन्फेक्शन और एक्ने वल्गरिस की स्थिति में यह असुविधाजनक और संक्रमण के बढ़ने का कारण हो सकती है। बहुत पतली त्वचा, टूटी हुई केशिकाओं, आंखों के चारों और ऊपरी गालों और सूखी व नाजुक त्वचा पर इसका नुकसानदायक प्रभाव हो सकता है। अतः वैक्यूम सक्शन देते समय हमें सावधानी का बहुत अधिक ध्यान रखना होता है। थैंक यू।